के मुताबिक हमने आज यहाँ पे व्हीकल्स को चेक किया, व्हीकल्स की मूवमेंट देखी। यहाँ पे जो दुकानदार कहीं पे अगर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, उसको देखा, ताकि यह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करता है। कल भी हमने वहाँ पे संग्रामा में और यानी हमारा सारे लोग हमारे कई जून इसमें आई डी साहब ने बांटे हैं। कोई लोग संग्रामा में ही चले गए, कहीं इस साइड में चले गए, और हमारा ये लोकल था बारामूला का। मैंने सारे बारामूला को इस वक्त विज़िट किया हुआ है। जहाँ कहीं वायलेशन पाई है, टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन स्पॉट। और जो भी गाड़ियाँ जो मैंने देखी मूवमेंट के बगैर चल रही थी, परमिशन के बगैर, दैट दो व्हीकल्स हैव बीन सीज्ड, उनकी आरसीज वगैरह हमने सीज कर ली है। और जो भी मूवमेंट के बगैर चल रहा था उनको हमने अलाउ नहीं किया है आज के, इसलिए हमारे ये लॉकडाउन। तो जो हमें ये अब मुझे बताइए, कर्फ्यू और लॉकडाउन में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। लॉकडाउन हमें अपनी सेहत के लिए इस वक्त है, हम अंदर घरों में बैठे तभी तो इस मूजी बीमारी से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम घूमते रहें इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैसेज हमें मेरे लोगों से यही गुजारिश होगी कि मेहरबानी करें आप हमारे हमें ताउन दे दीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं, हम दिन रात सिर्फ आपके लिए खड़े हैं। आप अपने घरों में रहिए, सिर्फ आप अपने घरों में मुकफल रहिए, कोई परेशानी नहीं। आपको खाने पीने की एकदम से हमें किसी भी नंबर पर आपको फ़ोन कर सकता है कोई भी, किसी भी परेशानी में हमारी गाड़ी, हमारे लोग उनके यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर कोई ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन सिर्फ इतना है कि लोगों से हमारी गुजारिश है कि वो घरों में रहें, बाहर ना आए। महंगाई का भी अब देख लीजिए, महंगाई को भी हम कर रहे हैं, हम इसके ऊपर लोग अपने जो हमारे लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। जहाँ पर भी इसकी वायलेशन होगी विल टेक सिटी।